हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो यहां पे हमें इसको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, इसमें RHS से प्रूफ करेंगे, यानी हम RHS ले लेंगे और प्रूफ कर देंगे कि ये LHS के इक्वल है। अब इसमें हमें एक चीज याद होनी चाहिए जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी? साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू 3 sin θ माइनस 4 sin³θ। ये वाली आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? यहाँ पे हम पहले लिखेंगे RHS। RHS क्या दे रखा है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहां पे हम x को मान लेंगे sin θ, x इज इक्वल टू sin θ। तो यहां पर x अगर हमने sin θ माना तो ये क्या इंप्लाई करेगा? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, यानी जहां पर x होगा वहां पे हम sin θ रख सकते हैं। अगर हमें थीटा हटाना है तो थीटा की जगह पर हम साइन इनवर्स x रख सकते हैं। तो ये हमने मान लिया। अब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स की जगह पर साइन थीटा, यानी 3 sin θ माइनस 4 sin³θ। अब यहां पे ये जो आइडेंटिटी है ये किसके इक्वल है? ये वाली इसके इक्वल है, यानी साइन 3θ के इक्वल है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3θ, ये आ गया। अब यहां पे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3θ, और थीटा हमारा किसके इक्वल है? साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है। तो ये हो जाएगा 3 sin³x, और यही हमारा LHS है, विच इज इक्वल टू LHS, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? प्रूफ दैट 3 cos inverse x इज इक्वल टू cos inverse 4x³ - 3x। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें साइन इनवर्स था और इसमें कॉस इनवर्स है। तो जब साइन इनवर्स का होगा तो साइन 3θ यूज करेंगे, और अगर कॉस का होगा तो कॉस के लिए क्या यूज करेंगे? यूजिंग आइडेंटिटी cos³θ इज इक्वल टू 4 cos³θ माइनस 3 cos θ, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन हम RHS से स्टार्ट करेंगे, इन RHS पुट x इज इक्वल टू cos θ। इसमें हम लोग x की जगह पर cos θ पुट कर देंगे, और यहां से थीटा क्या आएगा हमारा? cos inverse x। ठीक है, अब यहां पे RHS से स्टार्ट करेंगे, RHS इज इक्वल टू क्या दे रखा है? cos inverse 4x³ - 3x। x की जगह पर हम पुट करेंगे cos θ, तो ये हो जाएगा cos inverse 4 cos³θ - 3 cos θ। यहां से अगर हम देखें तो ये cos inverse आ जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हमारा cos³θ के इक्वल हो जाएगा। ये आ गया cos³θ, cos से cos कैंसिल आउट तो ये 3θ आ जाएगा, और थीटा हमारा क्या है? cos inverse x, तो ये हो जाएगा 3 cos inverse x, और ये हमारा है LHS। ठीक है, तो ये हमारा LHS आ गया, और यही प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म 10 inverse √1 + x² - 1/x। इसको हमें क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। पहले क्वेश्चन में जो था उसमें हमें जो क्वेश्चन दे रखा था वो साइन इनवर्स के फॉर्म में दे रखा था, तो हमने एक्स को साइन थीटा माना था। सेकेंड क्वेश्चन में हमारा कॉस इनवर्स टाइप में दे रखा था, तो हमने एक्स को कॉस थीटा मान लिया था। अब इसमें दे रखा है 10 में, तो हम क्या करेंगे? यहां पे x को 10θ मान लेंगे। तो यहां पे सॉल्यूशन, लेट x इज इक्वल टू 10θ। ठीक है, तो यहां पे x को हमने 10θ मान लिया, तो यहां से अगर हम थीटा की वैल्यू देखें तो ये क्या आएगी? 10 inverse x, ये आएगी। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू 10θ रख लेंगे। दिस इंप्लाइज दैट 10 inverse
अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, ये इक्वल हो जाएगा टैन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टैन थीटा। अब यहाँ पे जो हमारा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ये किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे अंदर आएगा सेक स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट लगा है तो ये बचेगा सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। ये हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेक थीटा हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका इस्तेमाल हमने किया है। अब हमारा सेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा माइनस वन, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये आ जाएगा हमारा टेन इनवर्स। यहाँ पे कॉस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसके नीचे आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला कॉस थीटा इस वाले कॉस थीटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या बचेगा हमारा, टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ गया। अब यहाँ पे जब भी इस तरह से दिखे वन माइनस कॉस थीटा या फिर कॉस थीटा माइनस वन, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इस वन को हटाने की कोशिश करते हैं। तो कौन सा फार्मूला यूज करते हैं हम लोग, देखो कॉस टू थीटा ये किसके इक्वल होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन या इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। कॉस थीटा इसके भी इक्वल होता है और इसके भी इक्वल होता है। अब हमें क्या करना है, इस वन को हटाना है, तो इस वन को हटाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, पहले वाले का। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, क्योंकि यहाँ पे टू थीटा था तो यहाँ पे थीटा आया यानी इसका आधा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा है तो हमारा क्या आएगा, थीटा बाई टू यानी इसका आधा अपॉन में साइन टू, साइन थीटा है ना तो साइन टू थीटा उसको हम मान लेंगे, तो ये क्या आएगा टू साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा अपॉन टू। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा अपॉन टू। यहाँ पे इसको हम लोग एज आ एक्स कंसिडर करेंगे तो ये साइन टू एक्स हो जाएगा, साइन टू एक्स होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, टेन इनवर्स, यहाँ पे ये वन ऐसे ही लिख देंगे, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का वन, ये माइनस माइनस प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन में आएगा टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये वन से वन कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये आ जाएगा टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, टू से टू कैंसिल आउट, ये एक साइन थीटा स्क्वायर से कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा साइन थीटा अपॉन टू और नीचे बचेगा कॉस थीटा अपॉन टू। साइन थीटा अपॉन टू अपॉन में कॉस थीटा अपॉन टू, ये किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स टेन थीटा अपॉन टू, टेन से टेन कैंसिल आउट तो ये बचेगा थीटा अपॉन टू, और थीटा जो हमारा दे रखा है वो दे रखा है टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे वन अपॉन टू पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। तो ये हमारा हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म और यही हमारा आंसर हो गया। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर क्या दे रखा है, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। तो इसको हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। चलिए कैसे लिखते हैं, देखो यहां पे जब भी कॉस है और कॉस के साथ प्लस या माइनस में वन है तो हम क्या करते हैं, इस वन को हटाने की कोशिश करते हैं। तो वन को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, कॉस टू एक्स वाला वो वाला फार्मूला लगाओ जिसमें वन आता हो। अब देखो कॉस टू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक तो होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन,
दूसरा होता है 1 - 2 sin² x, ये होता है। अब यहां पे जब ये वाला 1 हटाना है तो हम क्या करेंगे, यहां पे चूंकि माइनस लगा हुआ है तो प्लस वाला 1 होना चाहिए, है ना, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसमें रखेंगे ये वाला। और नीचे यहां पे 1 + cos x दे रखा है, तो ये 1 प्लस का है तो इसके लिए माइनस का 1 होना चाहिए, ठीक है, तो माइनस का 1 यहां पे है तो इसको रखेंगे हम। तो यहां पे देखो tan इनवर्स अंडर रूट 1 - cos x है, तो हम पहले के लिए ये वाला रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 - 1 - 2 sin² यहां पे x है, यहां पे 2x था, जब 2x था तो यहां पे x बचा यानी इसका आधा कर दिया, अब यहां पे x है तो x का आधा क्या होगा, x अपॉन 2 अपॉन ये हो जाएगा हमारा 1 + cos x है तो ये वाला रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos² x / 2 - 1। अब यहां पे tan इनवर्स ये अंडर रूट लगा देंगे, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 1 इस 1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ जो बचेगा वो होगा 2 sin² x / 2। नीचे हमारा देखो ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो यहां पे सिर्फ ये बचेगा, ये आ जाएगा 2 cos² x / 2। tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है, साइन अपॉन कॉस होता है टेन, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहां पे जो बचेगा वो बचेगा टेन एक्स अपॉन टू। अब यहां पे हमारा टेन एक्स अपॉन टू बचा, टेन से टेन कैंसिल आउट, तो ये बचेगा एक्स अपॉन टू, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स cos x - sin x / cos x + sin x। तो यहां पे ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है और हमें क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन दे रखा है हमारा tan इनवर्स cos x - sin x / cos x + sin x, ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे cos x से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय cos x, ठीक है, यहां पे ये भी लिख सकते हैं हम लोग, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cos x, तो यहां पे ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ये cos x है, इसको हम cos x से डिवाइड कर देंगे, माइनस ये sin x है, इसको भी हम cos x से डिवाइड कर देंगे, अपॉन में ये cos x है, इसको हम cos x से डिवाइड कर देंगे, प्लस ये sin x है, इसको हम cos x से डिवाइड कर देंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स सेम क्वांटिटी है 1 आ जाएगा, sin अपॉन cos tan x हो जाएगा 1, प्लस ये भी हमारा tan x हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो tan पाई बाई 4 यानी tan 45 डिग्री, ये किसके इक्वल होता है हमारा, 1 के इक्वल होता है, तो अगर जहां पे 1 लिखा है तो वहां पे हम tan पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। अब जैसे यहां पे ये 1 लिखा है तो इस 1 की जगह पर हम रख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन, अब यहां पे ये 1 है इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। अब यहां पे जो भी नंबर होता है, कोई भी क्वांटिटी हो, उसके मल्टीप्लिकेशन में हमेशा एक 1 होता है, क्योंकि हम 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो वो क्वांटिटी आ जाती है, तो यहां पे इस 1 की जगह पर हम रख सकते हैं tan पाई बाई 4 और ये tan x। तो यहां पे जो हमारा मकसद था वो फार्मूला बनाना था, ये कौन सा फार्मूला बन गया हमारा, tan x माइनस वाई वाला फार्मूला बन गया, तो यहां पे ये जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स ऊपर हो जाएगा हमारा ये tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, टेन से 10 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a² - x²। अब यहां पे जो अगर हम नीचे देखें
अगर यहाँ पे वन होता तो ये होता है वन माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह पर हम साइन थीटा रख देते तो ये हो जाता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाता। ठीक है, ये कब होता? जब यहाँ पे वन होता। लेकिन अब यहाँ पे दे रखा है हमें ए स्क्वायर, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे भी ऐसा कुछ रखना होगा कि जिसकी वजह से यहाँ से ये ए स्क्वायर हट जाए। जब ये ए स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर टाइप का आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यानी एक्स की जगह पर हम पुट कर देंगे ए साइन थीटा। और अगर हम यहाँ से देखें तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये ए नीचे जाएगा एक्स अपॉन ए, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पुट कर देंगे, ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर। एक्स की जगह पर ए साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, टेन इनवर्स इज इक्वल ए साइन थीटा अपॉन, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और अंडर रूट लगाए, जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी ए बचेगा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है कॉस थीटा के, ए से ए कैंसिल आउट, ये है हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे ये आ जाएगा टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के, टेन से टेन कैंसिल आउट, थीटा बचेगा, और थीटा हमने किसके इक्वल रखा है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यहां पे इसको हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को ए क्यूब से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम डिवाइड न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ए क्यूब। जब हम ए क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स, यहाँ पे इसको हम ए क्यूब से डिवाइड करेंगे, ऊपर ए स्क्वायर रहेगा, नीचे ए क्यूब, ए स्क्वायर से ए क्यूब को जब हम माइनस करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, ए, तो ये आ जाएगा थ्री एक्स अपॉन ए माइनस, यहाँ पे एक्स क्यूब है, डिवाइड करेंगे हम ए क्यूब से तो एक्स अपॉन ए का होल क्यूब इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पे ए क्यूब है, जब हम ए क्यूब से ही डिवाइड कर देंगे तो ये वन हो जाएगा। यहाँ पे ए है, ये ए क्यूब है, जब डिवाइड करेंगे तो नीचे ए स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स अपॉन ए का स्क्वायर, इस तरह का हमारा कुछ बन जाएगा। अब एक चीज देखो, हमारी एक आइडेंटिटी होती है टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये वाली हमारी आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स अपॉन ए को टेन थीटा मान लेंगे, पुट एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू टेन थीटा। जब एक्स अपॉन ए हमारा टेन थीटा होगा तो यहाँ से थीटा क्या आएगा, हमारा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यहाँ पे इसको हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ये जो है हमारा किसके इक्वल है, टेन थ्री थीटा के, तो ये हमारे लिखेंगे, तो ये हमने लिख लिया टेन थ्री थीटा, टेन से टेन कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचेगा थ्री थीटा। अब यहां पे जो हमने थीटा लिया है वो क्या लिया है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो यहां पे थीटा की जगह पर हम पुट कर देंगे टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और यही हमारा हो जाएगा आंसर।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो यहां पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहां पे एक चीज देखो, कहीं वेरिएबल नजर आ रहा है, कहीं भी वेरिएबल नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो वेरिएबल में नहीं आएगा, तो इसलिए हमें फार्मूले वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे, यहां पे 1/2 ये साइन की किस वैल्यू के लिए आता है, ये आता है साइन पाई बाई 6 जो कि होता है 1/2। तो यहां पे हम लोग पुट कर देंगे टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, ये पुट कर देंगे। अब यहां पे टेन इनवर्स 2 कॉस, ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 2, यहां पे पाई बाई 6, 2 इंटू पाई बाई 6 काट देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 2 3 6, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2 कॉस पाई बाई 3। हम जानते हैं कि कॉस पाई बाई 3 किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है, 3 ये हमारा कॉस 60 आता है, ठीक है, तो कॉस 60 डिग्री जो है वो 1/2 होता है। टेन इनवर्स 2 इंटू ये हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 हमारा किसके इक्वल होता है, या फिर ऐसे बोले कि 1 हमारा 10 की किस वैल्यू के लिए आता है, पाई बाई 4 के लिए, तो यहां पे हो जाएगा टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4, और 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा पाई बाई 4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में हमारी कुछ कंडीशन दे रखी हैं। अब एक चीज देखो, हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा जो है ये किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसके इक्वल होता है, लेकिन ये एक और चीज के इक्वल होता है, और वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे होता है, इसको देखो, यही से हम ड्राइव कर सकते हैं, कोई भी क्वांटिटी हो उसके नीचे हमेशा 1 होता है ना, तो यहां पे ये जो 1 है इस 1 की जगह पर हम लोग रख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 1 की जगह पर हम लोग रख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसको रख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर दोनों को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसको डिवाइड कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे ये कॉस इससे कैंसिल आउट और ये वाला इससे कैंसिल आउट, तो ये ऊपर बचेगा 2 tan थीटा और नीचे ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि साइन 2 थीटा हमारा इसके इक्वल भी होता है, सिमिलरली हमारा कॉस 2 थीटा जो है वो तो हमारा पता है हमें कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसी तरह से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक चीज होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। यहां पे भी अगर हम नीचे देखें तो 1 होता है हमेशा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा। अब इसमें भी हम ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा जो है शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 1 और ये साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, सिमिलरली 1 प्लस ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा इनकी वैल्यू टेन में भी होती है, वही चीज यहां पे हमें दे रखी है, मतलब उसी फॉर्म में दे रखा है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, x को हम लोग मान लेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू सॉरी टेन थीटा, यहां पे टेन में आएगा ना, और y इज इक्वल टू टेन बीटा मान लेते हैं, तो यहां पे इसको हम अल्फा मान लेते हैं,
थोड़ा सा सही लिख लेते हैं, टेन अल्फा और इसको मान लेंगे टेन बीटा। ठीक है, अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, टेन वन बाई टू, यहां पे साइन इनवर्स ये 2x है, यानी हमारा हो जाएगा 2 टेन अल्फा अपॉन, और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहां पे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। अब यहां पे इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, टेन 1 बाई टू साइन इनवर्स, ये हमारा किसके इक्वल है, यहां पे हम देख सकते हैं साइन 2 थीटा के, तो यहां पे ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा प्लस ये किसके इक्वल है, कॉस इनवर्स ये हो जाएगा कॉस 2 बीटा। टेन यहां पे देखो 1 अपॉन 2 है, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, और यहां पे ये साइन से साइन कैंसिल आउट, कॉस से कॉस, तो यहां पे 2 अल्फा 2 बीटा बचेगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब यहां से अगर हम देखें तो 2 हम कॉमन लेकर इस 2 के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये बचेगा टेन अल्फा प्लस बीटा। अब यहां पे अल्फा बीटा तो हमने अपनी तरफ से लाए हैं भाई, ये एंगल हमें दे तो नहीं रखे हैं, हमें जो आंसर होता है वो जो क्वेश्चन में वेरिएबल दे रखे हैं तो उनके अकॉर्डिंग निकालना होता है, तो हमें क्या करना होगा, ये अल्फा बीटा को हटाना होगा। तो अल्फा बीटा को कैसे हटाएंगे, यहां पे टेन अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये होता है हमारा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। ये हो गया, टेन अल्फा हमारा क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, टेन बीटा क्या दे रखा है, वाई दे रखा है, अपॉन वन माइनस एक्स वाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। हमें यहां पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहां पे एक चीज हम याद रखेंगे कि साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो हमारा होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, मैं डोमेन बोल रहा हूं, रेंज होती है साइन इनवर्स की, जो रेंज है वो हमारी ये होती है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो यहां पे हम साइन इनवर्स को साइन के साथ इसलिए कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि टू पाई बाई थ्री जो है, टू पाई बाई थ्री पाई बाई टू से बड़ा है, यहां पे पाई बाई टू जो है वो छोटा है टू पाई बाई थ्री से, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रेंज में ये नहीं आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इसकी रेंज में पहले लेकर आएंगे तब हम यहां पे साइन को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, और इसको हम स्प्लिट कर देंगे इस तरह से पाई माइनस पाई बाई थ्री, ठीक है, ये हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। और यहां पे साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई थ्री, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा पाई बाई थ्री, और ये हमारा इसकी रेंज में आता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स टेन थ्री पाई बाई फोर। यहां पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसके लिए भी हम जानते हैं कि जो टेन इनवर्स है उसकी रेंज क्या होती है, उसकी रेंज हमारी होती है ओपन इंटरवल पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू, ये होती है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम थ्री पाई बाई फोर को देखें तो ये हमारा इससे आगे निकल जाता है, यानी थ्री पाई बाई फोर जो है ये हमारा ग्रेटर है पाई बाई टू से, तो ये हमारा इसकी रेंज में तो आएगा नहीं, तो इसलिए हम यहां पे टेन इनवर्स को टेन के साथ ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे हम लोग, टेन इनवर्स इसको थोड़ा स्प्लिट कर देंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर पाई माइनस पाई अपॉन फोर, फोर पाई में से पाई जाएगा तो थ्री पाई बचेगा, टेन इनवर्स टेन, यहां पे फोर स्प्लिट करेंगे तो ये फोर से फोर कैंसिल आउट, पाई बचेगा माइनस पाई बाई फोर। टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का टेन थीटा, तो यहां पे टेन इनवर्स ये आ जाएगा माइनस का
या फिर इस माइनस को हम लोग अंदर ही रखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का पाई बाई फोर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हमने इस्तेमाल की, एक तो हमारा पाई माइनस थीटा ये होता है माइनस टेन थीटा, दूसरा माइनस टेन थीटा जो है ये होता है टेन माइनस थीटा, यानी हम इस माइनस को अंदर ले जा सकते हैं। और ये इन जनरल नहीं होता है, ये साइन और टेन के लिए होता है और कॉट के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पे इन जनरल इसलिए नहीं होता है क्योंकि माइनस का कॉस थीटा ये हमारा कॉस माइनस थीटा नहीं होता है, कॉस माइनस थीटा ये हमारा होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पे टेन इनवर्स और ये टेन माइनस पाई बाई फोर, अब ये माइनस पाई बाई फोर हमारा इसमें आता है तो इसका मतलब हम यहां से टेन इनवर्स को टेन से कैंसिल कर सकते हैं, ये आ जाएगा माइनस का पाई बाई फोर और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं वाई, लेट एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 3/2। यहां से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 और ये हो जाएगा कॉट वाई इज इक्वल टू 3/2, ये हो गया। अब यहां पे ये हो जाएगा हमारा टेन, इसको हमने एक्स कंसीडर किया तो ये एक्स प्लस वाई आ जाएगा, और टेन एक्स प्लस वाई हमारा किसके इक्वल होता है, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। अब यहां पे ये हमारा हो गया टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, लेकिन यहां पे जो हमें दे रखा है वो टेन एक्स तो दे नहीं रखा, क्या दे रखा है साइन एक्स, और यहां पे कॉट वाई दे रखा है, और हमें क्या चाहिए टेन एक्स और टेन वाई। अब देखो यहां पे गिवन है हमें साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 और हम जानते हैं कि कॉस एक्स क्या होता है वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा वन माइनस इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर यानी 9/25 और ये किसके इक्वल हो जाएगा 25 में से 9 गया 16/25, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो यहां पे कॉस एक्स आ गया हमारा 4/5। तो दिस इंप्लाइज दैट टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और साइन एक्स है 3/5, कॉस एक्स है 4/5, 5 से 5 कैंसिल तो ये हो गया 3/4, ठीक है। इसी तरह से अगर हम टेन वाई निकालें तो टेन वाई इज इक्वल टू क्या होता है 1/ कॉट वाई, और कॉट वाई हमारा क्या दे रखा है 3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3। तो यहां से हमें टेन एक्स और टेन वाई की वैल्यू मिल गई। अब हम इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, दिस इंप्लाइज दैट यहां पे टेन एक्स की जगह पर हम पुट करेंगे कहां गया 3/4 और टेन वाई की जगह पर पुट करेंगे 2/3, वन माइनस यहां पे टेन एक्स हो जाएगा 3/4 2/3, और यहां पर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 3 9 प्लस 4 2 8 अपॉन 4 3 12। सिमिलरली यहां पे 4 3 12 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 - 6 अपॉन 12, 12 से 12 कैंसिल आउट, 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा 17, और यहां पे 12 में से 6 गया तो बचेगा 6, तो यहां पे आ गया 17/6। तो यहां पे जो 17/6 आया है वो है इसकी वैल्यू 17/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इज इक्वल टू, तो यहां पे हमसे पूछ रहा है कि ये जो है इसमें से किसके इक्वल होगा। अब यहां पे हम कॉस इनवर्स की जो रेंज है ना उसको याद रखेंगे, वो क्या होती है हमारी 0 से पाई, ये होती है कॉस एक्स की रेंज।
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी ना, ये हमारी जीरो और पाई के बीच में होनी चाहिए। अब अगर हम पहली वाली वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे 7/6 ये पाई से बड़ा है ना। जब ये पाई से बड़ा है तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, तो ये तो हम ऐसे ही डिस्कार्ड कर सकते हैं। यानी इसका मतलब कॉस इनवर्स और कॉस को हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। दूसरा हमारा यहाँ पे 5π/6 है, ये हमारा पाई से छोटा है तो इसको अभी हम होल्ड पे करते हैं। 5π/3 ये भी हमारा पाई से बड़ा है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब दो तो हमने ऐसे ही डिस्कार्ड कर दिए। अब इसको और इसको हमें चेक करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कॉस इनवर्स। इस कॉस को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2π-7π/6। हम जानते हैं कि कॉस 2π-थीटा ये किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। अगर हम क्वाड्रेंट बनाएं तो ये कॉस जो है इसमें पॉजिटिव होता है, ये 2π यानी 2π से नीचे अगर आएगा तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ये हो जाएगा 6 2 12, 12 में से 7 जाएगा तो बचता है 5π/6। कॉस से कॉस कैंसिल आउट, ये आ गया 5π/6, इसका मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है हमारा, sin π/3 - sin inverse -1/2 इज इक्वल टू। यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले एक चीज देखो, हम जानते हैं कि sin π/6 जो है ये होता है 1/2 के इक्वल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाएगा -sin π/6 इज इक्वल टू -1/2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं sin -π/6 इज इक्वल टू -1/2। तो इसका मतलब जहां पे -1/2 है उसकी जगह पर हम पुट कर सकते हैं sin -π/6। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, sin π/3 - sin inverse sin -π/6, ठीक है। अब यहां पे चूंकि हमारी साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 और π/2 के बीच में होती है, तो इसलिए माइनस का एंगल इसमें आ सकता है। लेकिन अगर यहीं पे हमारा कॉस इनवर्स होता तो हमारा माइनस का एंगल नहीं होता, क्योंकि कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 और पाई के बीच में होती है। अब यहाँ पे साइन इनवर्स को साइन से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये बचेगा sin π/3 - और ये माइनस का π/6। ये हो जाएगा हमारा sin π/3 - π/6। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ये हो जाएगा sin 2π + π यानी 3π/6। और 3π क्या होता है, 3π/6 यानी कि π/2। sin π/2 क्या होता है, 1। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये डी वाला। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, tan√3 + cot√3 - √3 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें हमें हमेशा ये चीज याद होनी चाहिए कि यहाँ पे जो इनवर्स दे रखा है उसकी रेंज क्या है, ठीक है। तो बेसिकली हमें दो तरीके की रेंज याद रखनी होती है, एक तो हमारी है -π/2 से π/2, दूसरी है 0 से π। ये जो होती है ना, ये हमारी थोड़ा सा फेर बदल करके ये हमारी साइन की टेन की और कॉसेक की, ये होती है हमारी कॉट की कॉस की और सेक की, बस थोड़ा सा 19-20 का फर्क होता है। जैसे इसमें कॉट है ना, तो कॉट के लिए जो है इसमें से हमारा π/2 निकल जाता है, क्योंकि कॉट होता है हमारा cos/sin और sin π/2 जो है वो 0 होता है और 0 पे डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा, टेन में हमारा ओपन रहता है। अब यहाँ पे tan√3 दे रखा है, हम जानते हैं कि √3 टेन की किस वैल्यू के लिए आता है, tan π/3, ठीक है। ये हमारा π/3 के लिए आता है √3, और यहाँ पे -√3 दे रखा है, तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कॉट की किस वैल्यू के लिए आता है, cot π/6 जो है ये आता है हमारा √3।
अब यहाँ पे हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट पाई बाई सिक्स माइनस का अंडर रूट थ्री, ये हो जाएगा कॉट माइनस पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री। और हम ये जानते हैं कि कॉट पाई माइनस थीटा ये होता है माइनस का कॉट थीटा। इसी का इस्तेमाल करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट पाई माइनस पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री। और यहां से अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा फाइव पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री। और इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट कॉट इनवर्स माइनस अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू फाइव पाई बाई सिक्स। अब हमें सबकी वैल्यू मिल गई तो यहां पे हम पुट कर सकते हैं, ये जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा पाई बाई थ्री के इक्वल, प्लस ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है फाइव पाई बाई सिक्स के इक्वल आ रहा है। यहां पे थ्री और सिक्स का एलसीएम सिक्स होगा तो इसमें हम टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा टू पाई प्लस फाइव पाई बाई सिक्स। और ये आ जाएगा हमारा बेसिकली यहां पे क्वेश्चन में हमारा माइनस दे रखा है तो यहां पे हमारा माइनस आएगा, तो ये टू पाई माइनस फाइव पाई, तो फाइव में से टू जाएगा थ्री बचेगा साइन आएगा माइनस का, तो ये थ्री पाई बाई सिक्स आ गया, कैंसिल आउट कर देंगे तो ये माइनस का पाई बाई टू आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ये वाला ऑब्जेक्टिव जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त, और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, आज के लिए बस इतना ही।